का सेकंड। वन बाय रूट एक्स माइनस वन बाय फोर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय टू एक्स प्लस ये दोनों के आंसर ठीक है। अब क्वेश्चन देखो। कॉस अल्फा है होल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करो। एक्स के मल्टीपल का हाफ का स्क्वायर ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना। टू कॉस अल्फा एक कांस्टेंट है, इसका आप कॉस अल्फा हो गया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा ऐड किया और कॉस स्क्वायर अल्फा को ही सब्ट्रैक्ट किया और माइनस सॉरी प्लस वन हमारा जो चल रहा था वो एज इट इज ये बन गया टी प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आई होप कि यहां तक कोई इशू नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मेथड अप्लाई करो क्या आएगा, क्या होता है इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर या एक्स की तरह ट्रीट करेगा बिकॉज कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ही आएगा ना, नहीं सॉरी वेट प्लस है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ये आपका हो जाएगा वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। निकिता क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट का आंसर और कोई क्वेरी सेवन तक। थर्ड का फर्स्ट का आंसर है बेटा आपका वन बाय बी साइन इनवर्स बी एक्स बाय ए प्लस सी। एट टू थर्टीन तक क्वेरी बोलो। क्वेश्चन नंबर एट टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन तक क्वेरी बोलो। क्वेश्चन टेन का टू और ट्वेल्व का फर्स्ट और बस खत्म। चलो देखो निकिता क्या लिख रही है। निकिता सर वन बाय बी साइन वन बाय ए होना चाहिए ना। क्या लिख रही है बच्ची। और
बाय ए कॉमन लिया है। बेटा ये तो मुझे भी करके देखना पड़ेगा, ऐसे तो मैं कैसे बताऊंगा। आपने आंसर बोला इसलिए मैंने आंसर बता दिया। क्यों बेटा, बी कॉमन आएगा, ए कॉमन कैसे आएगा? एक बार थर्ड का फर्स्ट देखो सब। वन बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई करूं। यही तो आएगा। टेंथ का सेकंड। ये दे रखा है ना, देखो क्योंकि प्रॉपर रूट नहीं है, 3/2 है, तो एक नॉर्मल है और एक रूट है, तो इस वजह से हमने क्या किया, पुट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो ये आपका सॉल्व होगा, तो ये आ जाएगा ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये सॉल्व हो क्या आएगा, ए स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा का 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए क्यूब sec क्यूब थीटा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगा आपका 1/a sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल, 1/sec बचेगा जो कि cos थीटा d थीटा। आई होप कि इसके बाद तो कोई इश्यू नहीं होगा। थीटा है आपका टेन इनवर्स एक्स बाई है। अब आंसर और कोई आंसर दे रखा है तो वो अलग बात है। नेक्स्ट है आपका 12th का फर्स्ट। आंसर आ गया ना? हाँ ना, कुछ तो बोला करो रे। रुक जाओ मैं भी टीप लेता हूँ। 9.3 का 10th का सेकंड। अच्छा एक स्टेप और जाएगी आगे, देखो 10 इनवर्स x/a दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1/a sin। ट्राइंगल मेथड से सॉल्व कर लेना, ये आएगा sin इनवर्स है, तो
एक्स अपॉन ए साइन में चाहिए, तो एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब तो आ गया होगा शायद। ट्वेल्थ का सेकंड, ट्वेल्थ का फर्स्ट या सेकंड? हाँ फर्स्ट, मैं बोला सेकंड तो है ही क्या, फर्जी सवाल है। ट्वेल्थ का फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। और पता नहीं क्यों नहीं किया तुम लोगों ने, जब मैंने इसके सब्सटीट्यूशन लिखवाए थे तो उस समय लिखवाया है मैंने कि यहाँ क्या सब्सटीट्यूट करना है ऐसे क्वेश्चन से। किसने पूछे वैसे क्वेरी? ट्वेल्थ का फर्स्ट अभिषेक सैनी, रियली अभिषेक? जबकि मैंने सब्सटीट्यूशंस लिखवा रखे हैं कि ऐसे में क्या सेलेक्ट करना है। नहीं लिखवाया था क्या इनके सब्स्टिट्यूशन मैंने? एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी स्क्वायर हमने पुट किया, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा आई होप। तो एक्स बराबर हो गया टी स्क्वायर माइनस अल्फा, सॉरी प्लस अल्फा, वैल्यू पुट कर दो। पहले इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी और अल्फा एज इट इज। प्लस अल्फा था, सॉरी अल्फा नहीं रहेगा, टू टी डी टी, और नीचे आपके पास में आ रहा है रूट ऑफ टी स्क्वायर, और बीटा माइनस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ बीटा माइनस एक्स को बीटा माइनस टी स्क्वायर माइनस अल्फा। टी स्क्वायर बाहर आएगा और कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा टू डी टी बाय रूट ऑफ आई होप। यहां तक कोई इश्यू नहीं है। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? टी बाय रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा। टी हमारा था रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा, आंसर। और बोलो कोई क्वेरी है तो 13 तक। थर्टीन तक कोई क्वेरी?
आंसर रूट में है क्या? हाँ बेटा, रूट में तो है, रूट ही तो लगा रखा है, क्या रूट ही तो है। अच्छा सर, लेट मी रीड सर, बुक में रूट नहीं है आंसर में। बेटा रूट आएगा, फिर इसका मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं करके देखा, क्योंकि क्वेरी तो खाली अभिषेक ने पूछी है, बाकी सबका तो सॉल्व हो गया होगा ये। और जब बाकी सबका सॉल्व हो गया तो क्या गलत आंसर आ गया था क्या? रूट के बिना वाला आंसर आ गया आप लोगों का? अरे महारथियों, ललित, निकिता, बुक वाला आंसर आ गया था तुम लोगों तो फिर क्वेरी तो नहीं पूछी तुमने? अच्छा क्वेरी तो अभिषेक की थी। अच्छा तूने भी पूछी है, रुक जा चेक कर लेता हूँ, चैट दिख जाएगी। अभिषेक सैनी 12th का फर्स्ट, ललित, हाँ ठीक है तेरी तो है। निकिता ने नहीं पूछी है। चलो ट्वेल्थ से आगे का देखो, ये इससे 9.3 से आगे के लिए थ्योरी लिखो, हेडिंग डालो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें फर्स्ट और सेकंड लेट करना पड़ता है, पहले इंटीग्रेट करने से पहले फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, बाय पार्ट्स में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो दो फंक्शंस के लिए बाय पार्ट्स यूज होता है। जब दो आप लोगों ने दो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दे रखे हो तो उनको इंटीग्रेट करना सीखा है, बट यहाँ पे ये बात हो रही है जब दो फंक्शन जब दो फंक्शन क्या हो आपको मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो उस केस में इंटीग्रेशन कैसे करना है। देखो फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन प्लस सी, ये आपका होता है इसका फॉर्मूला। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन
3। अब ये फर्स्ट सेकंड कैसे डिसाइड करते हैं? We decide the order by of functions by ILAT, where I is inverse circular function, L is logarithmic function, and A is algebraic function, and T is trigonometric function, and E is exponential function. जहाँ पे मैंने कुछ एक examples भी देके समझाए, I hope कि आप लोगों को clear होगा कि हम कैसे ILAT decide करते हैं. You decide the order of function by ILAT.
यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा आई होप। इसमें नोट डालो। फर्स्ट दिस मेथड इज नॉट अ यूनिवर्सल मेथड इन हायर इन हायर स्टैंडर्ड वी डिसाइड द ऑर्डर एज आर रिक्वायरमेंट। सेकेंड If logarithmic inverse functions are only given for integration, then we consider the logarithmic and inverse function as first function and unit as second function. मैं रीड आउट कर रहा हूं दोबारा। नोट फर्स्ट पॉइंट है दिस मेथड इज नॉट अ यूनिवर्सल मेथड। इन हायर स्टैंडर्ड वी डिसाइड द ऑर्डर एज आर रिक्वायरमेंट। सेकंड इफ यू लॉगरिदम एंड इनवर्स फंक्शंस आर गिवन ओनली सॉरी इफ लॉगरिथमिक एंड इनवर्स आर ओनली गिवन फॉर इंटीग्रेशन देन वी कंसीडर द लॉगरिथमिक एंड इनवर्स फंक्शन एज द फर्स्ट फंक्शन एंड यूनिट एज अ सेकंड फंक्शन। If logarithmic and inverse functions are only given for integration, आई होप कि कोई इश्यू नहीं होगा यहां तक। May I rub that? Some results. First result, integration of log x dx, ये होता है आपका x log x -1 + c। एंड सेकेंड रिजल्ट होता है इसका x log x by e
प्लस सी बोथ आर ऑब्वियस रिजल्ट। प्रूफ है आपका लॉग एक्स डी एक्स गिवन है, लॉगरिथमिक फंक्शन मैंने लिखवाया, अगर अकेला दिया हुआ हो तो ऐसे केस में आपको यूनिट को सेकंड फंक्शन कंसीडर करना है। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। क्यों करना है? बिकॉज अगर हाईलाइट में आप देखते हो तो इनवर्स और लॉगरिथम से पहले कोई फंक्शन होता ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट और उसको सेकंड लिया यूनिट को। यूनिट एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, यूनिट का मतलब हम यूनिट को ये भी लिख सकते हैं, वन इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 0, ठीक है, इसलिए हमने उसको सेकंड फंक्शन लिया, ये इनके बाद में आता है। फर्स्ट फंक्शन है कॉन्स्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन प्लस सी। थोड़ा सा ब्लर हो गया, थोड़ा सा लाइट हो गया, मैं एक बार इंक डाल लूं। इंटीग्रेशन करने के बाद में ये हो गया एक्स लॉग एक्स, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है वन बाय एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स एक्स कट जाएगा, वन का इंटीग्रेशन वापस एक्स हो जाएगा प्लस सी। एक्स को कॉमन निकाल दिया तो ये आ गया लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, क्योंकि वन को मैं ये भी लिख सकता हूं लॉग एक्स माइनस लॉग ई प्लस सी, एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग एम माइनस लॉग एन से मैं इसको ये लिख सकता हूं। आई होप क्लियर है आपको लॉग एक्स बाई ई कैसे लिखते हैं इसको। इससे आगे या कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको होमवर्क में क्या करना है मैं बता देता हूं। बाकी के जो 6 होते हैं ना, और टोटल 6 हैं इनवर्स फंक्शन, तो सभी के इनवर्स कैलकुलेट करने हैं, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, सेक कॉस सेक इनवर्स, ये सारे इनवर्स कैलकुलेट करके देखने हैं आपको, सारों को डिराइव करना है, ठीक है, बस इतना ही होमवर्क है आज के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हैव गुड डे, टेक केयर। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी तक जो पढ़ा वो बेसिक था, अब जो आप पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन मैक्सिममली यहीं से रेज होता है।